और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और गुरुवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज शाम 7:54 तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। चैत्र नवरात्र का हर दिन माँ दुर्गा की शक्तियों के विभिन्न रूपों में से एक रूप की आराधना के लिए होता है। आज चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाएगी। सफेद वस्त्र धारण किए हुए माँ ब्रह्मचारिणी के दोनों हाथों में, दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या, ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। इनकी पूजा से व्यक्ति के अंदर जप तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती है कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं नारद जी के उपदेश से माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। कहते हैं इन्हें तपश्चारिणी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी कई हजार वर्षों तक जमीन पर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रही। बाद में उन्होंने पत्तों खाना भी छोड़ दिया, इसलिए उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। अतः देवी माँ हमें हर स्थिति में परिश्रम करने और कभी भी हार न मानने की प्रेरणा देती हैं और भक्तों को अपने लक्ष्य पर डटे रहने में मदद करती हैं। कोरोना से भी हार नहीं मानेंगे हम लोग। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से व्यक्ति के अंदर स्वाधिष्ठान चक्र भी जागृत होता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अनंत फल देने वाला है। कहते हैं आज के दिन जो भी व्यक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीतने की शक्ति हासिल कर लेता है। इससे व्यक्ति के अंदर संयम, धैर्य और परिश्रम करने के लिए मनोबल की भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही मंगल ग्रह से जुड़ी परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। दरअसल सभी नवग्रहों में से मंगल के ऊपर माँ ब्रह्मचारिणी का आधिपत्य रहता है। अतः मंगल के दोषों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बड़ा ही लाभदायी होगा। तो मंगल से जुड़ी परेशानियों के अलावा जीवन में अन्य परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, हम इस सब की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा कर लेते हैं आज के दिन पढ़ने वाले योग और नक्षत्र के बारे में। आज शाम 4:28 तक इंद्र योग रहेगा। इंद्र योग के दौरान कोई राज्य पक्ष का कार्य रुका हो तो इस योग में उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे तो अवश्य पूर्ण होगा, लेकिन बाहर मत जाइए, घर पे रह के जो कोशिश कर सकते हैं करिए। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके अगले दिन की सुबह 10:09 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। ये केतु का नक्षत्र है। नक्षत्रों की श्रेणी में अश्विनी नक्षत्र को पहला नक्षत्र माना जाता है। ये नक्षत्र यात्रा आरंभ करने के लिए, कृषि के लिए और नए वस्त्र खरीदने के लिए शुभ होता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक भरोसेमंद, स्वतंत्र और सीधे मुद्दे की बात करने वाले होते हैं, लेकिन ये किसी की सलाह को पसंद नहीं करते। इसके अलावा आपको बता दूं कि अश्विनी नक्षत्र के सभी चार चरण मेष राशि में ही स्थित होते हैं। पेड़ पौधों में इसका संबंध कुचिला के पेड़ से है, लिहाजा इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को कुचिला के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की, इंद्रियों और अश्विनी नक्षत्र की। और अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं आज के दिन किए जाने वाले राशिवार उपायों की। सबसे पहले बात करेंगे रोज की तरह आज भी मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, अगर आप अपना मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में 3 मुखी रुद्राक्ष रखकर की विधिपूर्वक पूजा की और उसे धारण करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके मनोबल और ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। आज की ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुसार ये उपाय मेष राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक है, लेकिन अन्य राशि वाले लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अब बात वृष राशि की। वृष राशि वालों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को उत्तम विद्या की प्राप्ति हो, तो आज के दिन आपको चमेली या किसी अन्य सफेद फूल के साथ ही 6 लौंग और 1 कपूर लेकर माँ देवी के सामने आहुति देनी चाहिए और आहुति देते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों को उत्तम विद्या की प्राप्ति होगी।
आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार ये उपाय वृष राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक है, लेकिन अन्य राशि वाले लोग भी कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों, अगर आप जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो अपने करियर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको देवी ब्रह्मचारिणी के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। देवी का मंत्र है, दधानाम कर्म कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मय ब्रह्मचारिणी अति उत्तम। इस प्रकार जप के बाद देवी माँ को पुष्पांजलि अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी और आप करियर में खूब आगे बढ़ेंगे। आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार ये उपाय मिथुन राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक है, लेकिन अन्य राशि वाले लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। कर्क राशि वालों, अगर आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और अपनी उथल पुथल भरी जिंदगी में थोड़ी सी शांति पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको माँ ब्रह्मचारिणी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देवी माँ का स्तोत्र इस प्रकार है, तपश्चारिणी तुम भी तापत्रय निवारिणी ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्य हम शंकर प्रिया त्वम ही भुक्ति मुक्तिदायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्य हम। आज के दिन इस स्तोत्र का पाठ करने से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और आपकी जिंदगी में शांति आएगी। आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार ये उपाय कर्क राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक है, लेकिन अन्य राशि वाले लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और उसके चलते आपको अपनी शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आपको आज नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद पाकर सिद्ध किया हुआ मंगल यंत्र धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से कुंडली में मांगलिक दोष के प्रभाव से आपको छुटकारा मिलेगा, साथ ही शादी के लिए आपको जल्दी ही कोई अच्छा रिश्ता भी मिलेगा। आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार ये उपाय सिंह राशि वालों के लिए विशेष है, लेकिन अन्य राशि वाले लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। और सिंह राशि के बाद नंबर आता है कन्या राशि का, तो कन्या राशि की भी चर्चा करते हैं। कन्या राशि वालों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही मेधावी होनहार इंटेलिजेंट और कार्य कुशल हो, तो आज के दिन आपको थोड़ी सी ब्राह्मी बूटी लेकर उस पर 108 बार ये मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र पढ़ने के बाद उस ब्राह्मी को अपने बच्चे को सेवन करा दे और आज से के बाद 7 दिन तक लगातार ऐसा ही करते रहे। ऐसा करने से आपका बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट यानी होनहार होगा और वो अपना हर कार्य बड़ी कुशलतापूर्वक करेगा। आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार ये उपाय कन्या राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक है, लेकिन अन्य राशि वाले लोग भी कर सकते हैं। यहाँ एक बात समझ लीजिए, अब इस समय देश पूरा रुका हुआ है, विश्व रुका है, आपको ब्राह्मी बूटी अगर मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अगर ब्राह्मी बूटी न मिले तो आप थोड़ा मिश्री ले लीजिए या शक्कर ले लीजिए, उसी पर यह मंत्र पढ़ करके बच्चे को खिला दीजिए। भाव रूप से कीजिए इस काम को, लेकिन कीजिए जरूर। आगे चलते हैं और बात करते हैं अगली राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि वालों, अगर आप अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं और अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको भगवान शिव और माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, साथ ही इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, ओम शंग शंकराय भवोद्भवाय शंग ओम नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी और जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार ये उपाय तुला राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक है, लेकिन अन्य राशि वाले लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। और वृश्चिक राशि वालों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान बहुत जल्दी तरक्की के शिखर पर पहुंच जाए, तो आज के दिन 7 दालों का चूरा बनाकर उन पर या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का 1100 बार जप करें। इसके बाद बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर किसी पेड़ की जड़ में रखिए या चिड़िया खिलाइए।
आज के दिन ये उपाय करने से आपकी संतान बहुत जल्द ही तरक्की के शिखर पर पहुंच जाएगी। आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार ये उपाय वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक है, लेकिन अन्य राशि वाले लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अब बात धनु राशि की, अगली राशि की। धनु राशि वालों, अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा और कोशिश के बाद भी उतार नहीं पा रहे हैं, तो आज के दिन प्रातः काल माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर की दाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख ले, घी का दीपक जलाइए, माता के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है दधानाम कर पद्माभ्याम, दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलुम, देवी प्रसीदतु मई ब्रह्मचारिणी अत्युत्तमा। पूजा समाप्त होने के पश्चात मसूर को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर 6 बार क्लॉकवाइज, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज किसी भी सफाई कर्मचारी को दान में देते, इससे माता की कृपा से कर्जे से छुटकारा मिलने का रास्ता बनने लगेगा। देखिए, ये उपाय शास्त्र के मुताबिक ये है कि अपने ऊपर से उतार के दे दें। हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप उतारिए नहीं। अगर उसको किसी सफाई कर्मी को देना तो आप उतारिए नहीं अपने ऊपर, आप हाथ लगाइए बस, और उसके बाद दीजिए सफाई कर्मी को। किसी मनुष्य को अपने उतरा हुआ देना, उसके हम पक्षधर नहीं। आज की ग्रह स्थिति के अनुसार ये उपाय धनु राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक है, लेकिन अन्य राशि वाले लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। मकर राशि वालों, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग बनाए रखना चाहते हैं, तो लाल या काले गुंजा के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी के बर्तन अथवा मिट्टी के दिए में शहद भरकर उसमें डुबोकर सुरक्षित कर दें। ध्यान रहे, जो भी उपाय कर रहा हो वो अपने जीवन साथी का नाम अवश्य ही लेता रहे। इस उपाय को अपने जीवन साथी या किसी को भी न बताएं। इस उपाय को करने से पति पत्नी के मध्य किसी भी बात पर कलह नहीं होती है, प्रेम और आकर्षण बना रहता है। आज की ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुसार ये उपाय मकर राशि वालों के लिए विशेष है, लेकिन अन्य राशि वाले लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अब बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, यदि आपके घर में धन की बहुत कमी रहती है, कमाई के बाद भी पर्याप्त धन नहीं बचता है, तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा लेकर, जो कम से कम 50 ग्राम का हो, काले कपड़े में सिलकर घर या कारोबार के मुख्य द्वार पर टांग दें। इससे धन आगमन के स्रोत खुलते हैं, धन में बरकत होती है। अगर फिटकरी टांगना संभव न हो तो फिटकरी को घर में ही काले कपड़े में लपेट कर रख लें। ये उपाय, अगर 50 ग्राम ना हो तो जो अवेलेबल हो घर में वो कर लें। ये उपाय बड़ा अचूक माना जाता है, इसे करते समय कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के लिए अनुसार ये उपाय कुंभ राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक है, लेकिन अन्य राशि वाले लोग भी इसे कर सकते हैं। जो इसे करेगा उसे फायदा होगा। और मीन राशि वालों, अगर आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं, तो आज के दिन थोड़ा सा कच्चा सूत लेकर उसे केसर से रंग लें। इस रंगे हुए सूत को अपने व्यापार स्थल में बांध लें। व्यापार में अच्छी सफलता मिलती रहेगी। नौकरी करने वाले इसे अपनी अलमारी, दराज, मेज कहीं भी रख सकते हैं। तरक्की के योग प्रबल होंगे। आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार ये उपाय मीन राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक है, लेकिन अन्य राशि वाले लोग भी इसे कर सकते हैं। और अब ये सारी चर्चा थी आज चैत्र के दूसरे नवरात्र के बारे में। आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करके आप कैसे अपने जीवन में जीत हासिल कर सकते हैं, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं और अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकते हैं और मंगल संबंधी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, आज के दिन हमने इन सब की चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा पूरा लाभ जरूर उठाएंगे।